एक बाय द वे मेरे को ये आवाज से सुना दो एक बार। This song actually seems like a very easy song to sing when you hear it, but it is not, man. कि actors गाए क्योंकि जब composers actors बन सकते हैं और art directors directors बन सकते हैं और you know singers reality shows पे आ जाते हैं shows तो आज वो जमाना है कि कोई भी आदमी कुछ भी कर सकता है सही तरीके से करे एंड उर्वशी मुझे लग रहा है कि आशिक बनाया अच्छा ही गाएगी नेक्स्ट टाइम हेट स्टोरी 5 अगर वो करेंगी तो उसमें सिंगर भी हो सकता है कि उर्वशी हो सकती है वे टू मच दैट्स अ नहीं मोमेंट फॉर नेहा नहीं नहीं कैसे बिल्कुल नहीं नेहा तब तक और 500 हिट गाने दे चुकी होगी क्या फर्क पड़ेगा जोरदार तालियां लगी इसका इफ यू कैन हम सम लाइंस यस सर थोड़ा बीच में अगर आ जाएंगे तो बेचैनियों का फासलों का सिलसिला है दर्द जिगर का ये सबब हमको मिला है तेरे बिन रात कटती नहीं है तेरे बिन प्यास मिटती नहीं है तेरे बिन दूरी घटती नहीं है तेरे बिन लम्हा लम्हा सताए तेरे बिन बेकरारी जलाए तेरे बिन चैन मुझको ना आए तेरे बिन ओ आशिक बनाया अपने ओ आशिक बनाया अपने मेरे बिन सूनी है मेरे बिन सुनी है सबकी राहें मेरे बिन प्यासी सबकी निगाहें जो मिले बोले भर के बुआहें सुनिए ओ आशिक बनाया आशिक बनाया अपने जोरदार तालियां फॉर दिस अमेजिंग टीम ओवर हियर एंड थैंक यू सो मच सर यू नो ऑन बिहाफ ऑफ एवरीवन जो आपने ये परमिशन दी इसको रिक्रिएट करने की एंड टी सीरीज ऑब्वियसली हैज डन अ फैंटेबुलस जॉब विद दिस तनिष्क कांग्रेचुलेशंस मतलब क्या कर दिया है आप लोगों ने सो या इट्स टाइम फॉर अ क्विक फोटो मुझे लग रहा है कि तनिष्क ओरिजिनल सॉन्ग्स भी बहुत कमाल बनाएंगे बिकॉज़ एक कंपोजर में एक छुपी हुई कुछ क्वालिटीज होती है जो चार नोट्स में दिख जाती है तनिष्क में वो बात है उनके कुछ गाने बहुत ओरिजिनल भी बहुत हिट हुए हैं रिक्रिएट भी वो बहुत अच्छा करते हैं तो उनकी ड्यू क्रेडिट कहीं पे भी क्योंकि ओरिजिनल कंपोजर ने लिया है और वो गाना अगर रिक्रिएट कर रहे हैं तो उनकी ड्यू क्रेडिट उनसे नहीं लेनी चाहिए ये बात अगर मीडिया थोड़ी सी याद रखे ऑडियंस याद रखे बिकॉज यही प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पर कोई भी आदमी जिसने इतना काम किया हो कॉन्ट्रीब्यूट किया हो उसका ड्यू क्रेडिट मत लीजिए तो तनिष्क ने बहुत अच्छा ब्रिलियंट जोरदार तालियां सेम वे विद मनोज जी के लिए मैं ज्यादा नहीं बोल सकता क्योंकि वो ऑलरेडी अगेन जो गाने लिख रहे हैं लेजेंडरी गाने लिख रहे हैं और बहुत अच्छे अच्छे गाने मेरे लिए भी लिख रहे हैं आगे भी लिख रहे हैं तो उनके लिए ज्यादा यू नो ही डजंट नीड ऑलरेडी गिवन सो मेनी ब्लॉकबस्टर हिट्स तो उनकी कोई कहने की जरूरत नहीं है और आज यहाँ भूषण जी नहीं है उनसे सुबह मेरी बात हुई एंड हम लोग अपने पुराने एसोसिएशन के बारे में याद कर रहे थे क्योंकि 100 से ज़्यादा फिल्में हो गई पता नहीं कितने 700 गाने इतने गाने करते 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 एक लगता है कि मैं यहाँ पर अपने फैमिली के साथ आया हूँ विनोद जी शिव एवरीवन ऑफ माय फैमिली टी सीरीज इज फैमिली थैंक यू सो मच थैंक यू वेरी मच बस का नाम मतलब एकदम सामने यहाँ पे मैम एकदम सामने एकदम सामने
हैप्पी दिवाली. बस बस परफेक्ट 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 एकदम बराबर है. सेंटर से स्टार्ट कीजिए. सर यहाँ पे देखिए आयुष भाई सामने. आयुष भाई सामने. आयुष भाई सामने. सर यहाँ पे. आयुष भाई यहाँ पे. ऑन योर राइट सर. आयुष सर. आयुष यहाँ पे सामने. आयुष भाई यहाँ पे. यहाँ पे आयुष. हैप्पी दिवाली. हैप्पी दिवाली. बस 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 अर्पिता जी. बस अर्पिता जी. हाँ साथ में. मैम एकदम सामने. आपके लेफ्ट में. मैम सेंटर यहाँ पे. अर्पिता जी एकदम सामने. सामने एकदम सेंटर. सर सेंटर सामने एकदम सामने. ऑन योर राइट सर. बोथ ऑफ यू हैप्पी दिवाली. थैंक यू सो वेरी मच. थैंक यू. सामने. सर सर यहाँ पे. लेफ्ट लेफ्ट सर एकदम सामने. सर एकदम सामने. मांगे ना था यार. अब हैप्पी दिवाली प्लीज. सर सर गाड़ी ऑलरेडी है. सेम ऐसे कुछ हाय हाय हाय.